आईपीएल के आगाज में अब 10 दिन से भी कम समय बचा है। सभी टीमें प्रैक्टिस में जुटी हुई हैं। कोविड 19 महामारी के चलते आईपीएल इस साल यूएई में 19 सितंबर से खेला जाना है। आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे। धोनी को खेलते देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और साथ ही विकेट कीपिंग के दौरान स्टंप माइक पर उनकी बातें सुनने के लिए भी। प्रैक्टिस सेशन के दौरान धोनी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं, डीआरएस ले लेंगे, चिंता मत कर। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स के आधिकारिक अकाउंट का एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें टीम को होटल से निकलकर प्रैक्टिस के लिए जाते हुए और फिर प्रैक्टिस करते हुए दिखाया गया है। इसी वीडियो में धोनी की एक क्लिप भी है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। दरअसल धोनी जब भी डिसीजन रिव्यू सिस्टम यानी कि डीआरएस का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर मौकों पर एकदम सही करते हैं। हाल ही में कुछ ऐसा हो चुका है कि फैंस डीआरएस को धोनी रिव्यू सिस्टम भी कह चुके हैं। धोनी ने जुलाई 2019 के बाद से कोई प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला। 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत न्यूजीलैंड से हारा था जिसके बाद से धोनी क्रिकेट से ब्रेक पर थे। इसी साल 15 अगस्त को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। ऐसे में फैंस आईपीएल में धोनी के खेलने को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड। बड़ी बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी करीब 13 महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तो नहीं लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। आईपीएल में धोनी का जलवा देखने के लिए फैंस पूरे तरीके से बेताब हैं। एएनपी न्यूज रूम से दीपक चांद की रिपोर्ट।